ओम शांति। आज का विषय तो बहुत ही अच्छा है, खुशी वाला विषय है। देखिए, बाबा कहता है कि जितनी भी दुनिया में आत्माएं हैं, सबसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन है? तो जो खुशकिस्मत होगा उसमें पहला शब्द क्या है? खुश, है ना? तो जो खुशकिस्मत होगा वो तो खुश रहेगा, और जो खुश नहीं रहेगा वो क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसने अपनी किस्मत का लॉकर खोला नहीं है, है ना? तो ब्राह्मणों का तो लॉकर खुला रहना चाहिए हर समय। तो लॉकर बंद कैसे होता है? तो बाबा ने किस चीज को तिजोरी कहा हुआ है? बुद्धि को। तो माया क्या करती है? बुद्धि को लॉक कर देती है। और बाबा क्या करता है? बुद्धि को गॉडरेज का ताला जो है, गॉड उसको आके चाबी लगा के खोल देता है। अब बुद्धि लॉक कैसे होती है? जो बड़े बड़े ताले होते हैं ना, उसमें कई कई क्या कलाएं होती हैं। कोई तीन कला का ताला होता है, कोई पांच का होता है। पांच बारी खोलो तब खुलता है। तो ये पांच कला वाला ताला है जो माया लगाती है। उसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को हमने छुपाया या दबाया या अपना समझ के रख लिया, कोने में डाल के भगवान के आगे ओपन नहीं किया, क्या होगा? परमात्मा के आगे ओपन ना करना मैंने ताला लगाना, और परमात्मा के आगे खोलना मैंने ताला खोलना। वो बाबा मुरलियों में सुनाते हैं ना कि दो थी, वो जा रही थी, पूछा किसी ने इसमें क्या है, नाव में क्या है? उसने कहा जी इसमें तो ऐसे ही। उसने कहा ले ही ना लेवे ब्राह्मण। उसने कहा इसमें कुछ नहीं है, लते पत्ते हैं, लते पत्ते हैं। तो देखा तो सचमुच वो लते पत्ते ही हो गए, है ना? छुपाने का कोशिश किया। तो कभी कभी जब मैं आता है, मैं माया का मैं आता है, तो क्या करता है फिर वो? तो मैं को आ देता है, थोड़ा पैसा बचा के रख लूं, पता नहीं विनाश आएगा कि नहीं आएगा, कुछ टाइम तो नहीं आ रहा, अभी तो मकान बना रहे हैं ये लोग, हैं? अच्छा, या कुछ शक्ति है अपने पास, इसने मुझे खुशी से नहीं बोला, जाओ मैं नहीं मदद करता, ठीक है, कुछ बोले तो करूं, वो छुपा के रख लिया। अभी कल परसों भी आया था, है ना, मुरली में, कि सेवा में फुल लगना है, ठीक है ना? तो खुशी का हमारी का थर्मामीटर है सेवा। और ज्यादातर यहाँ जो बैठे हैं वो कौन बैठे हैं? सेवाधारी, है ना? आपका तो टाइटल ही है ब्रह्मा कुमार, टाइटल भूल भी जाए किसी को, सेवाधारी टाइटल तो याद ही रहेगा, है ना? इसलिए ये सेवाधारी टाइटल भी आपको सोल कॉन्शियस बनाता है, क्योंकि किसकी सेवा? ईश्वरी सेवा। सेवा तो हम घर में भी करते हैं, दुकान में भी करते हैं, दफ्तर में भी करते हैं, लेकिन वो होती है मेरी सेवा। उसमें जो लोग संबंध में आते हैं उनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, कुछ ना कुछ प्राप्ति की उम्मीद होती है या मजबूरी होती है। और यहाँ क्या है? यहाँ तो किसी व्यक्ति विशेष की तो करते नहीं, तो किसके नाम पर करते हैं? बाबा के नाम पर। इस वास्ते सेवाधारी होना ही खुशकिस्मती का दरवाजा खोलना है। और सेवा में कुछ भी लिमिट में आना कि चलो ये मेरे शहर का, इसको ज्यादा टोली दे दूं, ऐसा भी हो सकता है, ये मेरे मोहल्ले वाला है, इसको ये कर दूं, है इसके लिए खास ले आऊं ढूंढ ढांड के भी, तो वो क्या हो जाता फिर? एक होती है लिमिटेड, एक होती है अनलिमिटेड। जैसे वर्षा भी दो तरह का होता है, तो हम लिमिटेड वाला चाहते हैं या अनलिमिटेड वाला? हमारा तो सब कुछ अनलिमिटेड है, हमारी फैमिली भी अनलिमिटेड है, हमारा वर्षा भी अनलिमिटेड है, सब ज्ञान भी अनलिमिटेड है। वो गीत ही बजा है देखो, सारे पेड़ों का वो बना लो, है? अब अनलिमिटेड जो होता है ना, वो बहुत छोटा भी होता है। बाबा कहता है ज्ञान दो शब्द में भी आ जाता है, है?
कौन से दो शब्द हैं, कल आज और कल, उसमें भी आ जाता है। तो इसी और बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा भी है। इसी प्रकार से अगर हमारी सेवा से खुशी है वो तो हो रहेगी, लेकिन सिंपल बात है, सेवा ही कर रहे हैं हम। मान लो सेवा में सेवाधारी हमारे कोई साथी हो जाते हैं, सेवाधारी अपना घर तो छोड़ आए, भाई माता पिता अलौकिक, ये मेरी सखी है, ये मेरा फ्रेंड है, मेरे मदद करता है, कभी मैं ना जाऊं तो मेरी ड्यूटी भी बजा देता है। अच्छा मान लो समोसे बने तो वो है नहीं, अपने लिए भी ले लिया, चलो एक ही जगह दो ले लिया, कोई बात नहीं, फिर उसके लिए भी सोचा कि भाई वो बेचारा मेरा फ्रेंड है, उसके लिए भी ले लूं, उसके लिए रखूं, अच्छा कोई बात नहीं ले लिया, फिर अपने कमरे में रखा, फिर सोचा बेचारा गरम गरम खा ले, उसको ढूंढा वो मिला नहीं, भागा इधर उधर कहाँ कहाँ वो होते हैं, बोला ज्ञान सरोवर गए हैं, अच्छा लंच के बाद आए, अरे भाई तुम्हारे लिए समोसा रखा था, देखो ठंडा भी हो गया, चलो मेरे साथ, अच्छी बात है। परंतु आप जरा गौर से सोचिए कि इसमें जब आपने भाग दौड़ की कि कहाँ है उसको लाके खिलाऊं, हैं, उस समय आपका लिमिटेड वो खुश भी होगा, आपको कहेगा बड़ा अच्छा तुमने मेरा ध्यान किया, हो सकता आगे के लिए वो भी आपके लिए रख ले, वो सब ठीक है। परंतु इस छोटी सी घटना में क्या छिपा हुआ है कि क्या हम अपने समय को, अपने ध्यान को, अपनी अटेंशन को बेहद सेवा से थोड़ा हटा करके और एक थोड़ी लिमिट में नहीं ले आए देखा जाए तो। अच्छा उसको मिलना ही है, नेचुरली उसको मिले अच्छी बात है। तो कई बार हमने ये देखा है कि छोटे दायरे में हम आ जाते हैं, लौकिक का तो छोड़ दिया, अलौकिक में छोटा बना लिया, उसमें फिर वो मनुष्यात्मा की स्नेही सहयोगी हो जाती है। और ये इसमें कुछ लगाव वगैरह की बात नहीं है, वो तो और गहरी बात है, लेकिन सिंपल है कि आप लिमिट में आ जाएंगे तो वो खुशी जो आपको उससे प्राप्त होगी वो खुशी अलौकिक और अनलिमिटेड खुशी से बहुत छोटी है। इस वास्ते हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बड़े बेहद की खुशी लेने के लिए कभी भी लिमिट के अंदर ना आए। ये मामूली मामूली बातें हैं जो हमारी हल्की सी लापरवाही से हो जाती है। तो इसलिए कि सेवा सीधी भगवान के नाम पे होनी चाहिए, उसी के लिए हम आए हैं, और उसका फल भी हमें भगवान देता ही है, आपको सबको अनुभव है, खुद हम उसको लिमिट में ना लाएं। दूसरे ये है कि ये सेवा मैंने होता देना है ना, सेवा मैंने लेना नहीं होता, देने में लेना अंडरस्टूड है। बाबा हमेशा कहते हैं तुम सेवाधारी हो या मेवाधारी हो, क्योंकि सेवा का मेवा तो खुशी तो मिल ही जाती है, और भी सब चीजें मिल जाती हैं, ब्राह्मण परिवार दिख जाता है, नहीं तो किसी को वर्ल्ड का टिकट लेकर हवाई जहाज का एक देश में जाएगा, मान लो रूस में जाएगा तो रूस वाले ही दिखेंगे, अमरीका में जाएगा तो अमरीका वाले ही दिखेंगे, यहाँ तो आपको सब दिखते हैं, सब मिलते हैं, और आपके चेहरे से ही आप बोले ना बोले आपकी जो धारणा है वो बोलती है। जैसे गुलाब का फूल होता है वो तो भाषा नहीं बोलता, लेकिन जहां कोई उसके पास से गुजरेगा तो उसको सुंदरता भी दिखेगी, रंग भी दिखेगा, खुशबू भी दिखेगी। तो खुशी एक ऐसी चीज है जो चेहरे से दिखती है, और इस वास्ते वो व्यक्ति जब आते हैं, कोई दूर दूर से आते हैं, अमरीका से, ऑस्ट्रेलिया से, हमारी भाषा ना भी जाने, हम उनको क्लास ना भी कराएं, लेकिन जब वो हमारा जो भी हम कार्य करते हैं जहां कहीं वो देखते हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, मान लो ये योग का रिकॉर्ड बजता है, उस समय उनकी क्या धारणा है, बोल तो नहीं रहे हैं, तो उसको दिनचर्या ठीक रख रहे हैं। आज मैंने देखा सुबह में समझिए 3 बजे के करीब बाबा के कमरे में आया, तो 5-6 जने बैठे थे, तो एक दो फॉरेनर आए तो बड़े खुश हुए, वो भी बेचारे, मैंने सोचा देखो फॉरेनर भी इस समय आए हैं, तो उन्होंने इधर उधर देखा, वो भी बड़े खुश हुए कि बाबा के बच्चे बाबा के ध्यान में बैठे हैं। तो एक दूसरे को बोलने से, बोलना तो नेता लोग बहुत बोलते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करो, ऐसे करो, किसी भी कुमारी को मुरली दे दो, मुरली तो बाबा की है, तो वो टोन में ऐसे लगेगा क्या बाबा रहा है, लेकिन वो लगेगा कि मैं कह रही हूँ, परंतु वो है लेक्चर। लेकिन अगर आप धारणा करके करोगे, जैसे दादी करती है,
तो धारणा से बोलती है, तो वो बिना बोले भी आपका क्वालिटी हो या ना क्वालिटी हो वो पास ऑन होता ही रहता है। इसलिए मम्मा हमेशा कहती थी कि अपनी धारणा पर असर रखो। हम लोग भी ये सारा ही हमारा ज्ञान इसीलिए है कि अपने को धारण करेंगे, हम परिस्थिति को उंगली नहीं रख दे सकते इसने ऐसा कर दिया, है ना। आज भी मुरली में था, हम कह नहीं सकते क्रिटिसाइज कर दिया, क्योंकि परिस्थिति तो हमारा टेस्ट है और वो हमारे पास आएगी ही। कई ऐसे समय थे हम बीके बन गए तो हमें बीमारी भी नहीं आनी चाहिए, रोग भी नहीं आना चाहिए, दर्द भी नहीं होना चाहिए, ट्रेन का रिजर्वेशन भी मिल जाना चाहिए, कोई मरना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे दुनिया है, क्योंकि हम सतयुग से लेकर अपने अकाउंट बनाते आए हैं, तो हर एक को अपने अकाउंट का मिलना ही है। फिर भी बाबा कहता है अगर आप अपने स्टेज में आ जाओ, हम प्रकृति के मालिक हैं, तो ये छोटी मोटी चीजें आपके नजदीक नहीं आएंगी। जैसे शेर से लोग डरते हैं, आग से लोग डरते हैं, तो आग हमारा भी कौन सा रूप है, बाबा ने कहा हुआ है ना, ईश्वरी इस समय कौन सा रूप होना है, जब विनाश आएगा ज्वाला रूप, है ना। तो ज्वाला रूप मैंने अग्नि रूप, तो अग्नि रूप मैंने कि हम पावरफुल हैं, अग्नि पावरफुल होती है उससे लोग डरते हैं, ना कि अग्नि किसी से डरती है। अग्नि तो रूप बदल देती है दूसरे का भी। तब करके बाबा कहता कि हमारी ठंडी आग है, जैसे मीठा जहर होता है ना, माया का मीठा जहर है, तो हमारी भी ठंडी अग्नि है बड़ी पावरफुल। इस वास्ते जो भी काम हमको मिला, काम का कोई मतलब नहीं, चाहे बर्तन मांजना मिला वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपको भाषण करना मिला वो भी कोई, आप उसमें उसकी स्टेज आपकी क्या रहती है, उसमें आपकी अटेंशन क्या रहती है, उससे आपको खुशी मिलेगी। अब बाबा हमको रोज, हम तो भूल जाते हैं बार बार नए नए ढंग से, कभी कहता है सतयुग में तुम तो क्या पाठ था, द्वापर से क्या पाठ था, संगम पर भी कितना अच्छा पाठ है, और सब हमारा बताता है जड़ में कैसे तुम्हारा पूज्य था, चेतन में कैसे पूज्य था, अभी तो सबसे पूज्य है, अभी तो हम कृष्ण से भी बड़े हैं, है ना। कैसे कृष्ण जो है वो हमारे आगे क्या चीज है, हाँ ईश्वरी पालना ले रहे हैं, ले रहे होंगे पालना, तो कमजोर बच्चे भी लेते हैं, उसमें क्या है, हैं? पालना लेना तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन कृष्ण से हम बड़े कैसे हैं, हाँ चढ़ती कला करें, वो तो चढ़े से चढ़ी पर है, वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है, हाँ ईश्वर की संतान है, हमें सिर्फ पता है ना हम ईश्वर की संतान है। अगर सचमुच ईश्वर की संतान होकर के हम चलते हैं तो क्या नशा होगा, हैं? अनलिमिटेड है, कृष्ण से बड़े इसलिए हैं, एक मुरली में आया हुआ है कि कृष्ण को ताज कब मिलता है, राजाई का जन्म लेते या जब उसकी कॉरोनेशन होती है, कितने साल बाद मिलता है, 30 से भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा उसको तख्त कब मिलता है, तिलक कब मिलता है, कितने साल के बाद, और आपको तो बड़े हो गए कि नहीं हो गए, हैं? क्योंकि उसको इतना वेट करना पड़ता है जाके, और आपको तो जन्मते सारी मिल जाता है ईश्वरी वो भी। तो बाबा हमको कई तरह से रोज रोज नशे चढ़ाता है, और सच्चे नशे चढ़ाता है। बाबा कहता है तुम्हारी आंख भी ऐसी होनी चाहिए, सोई हुई नहीं लेकिन नशे में खोई हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब तब रह सकता है, सुना उस वक्त तो अच्छा लगता है, अच्छा, लेकिन दिन में वो अगले दिन का जब तक प्याला मिले, हैं, तब तक पिछले दिन का प्याला चलना तो चाहिए ना। डॉक्टर भी शुगर की गोली देता है तो कहता है 24 घंटे चलेगी, कल दूसरी खा लेना, तो आप खुश रहते हैं भी 24 घंटे इसका असर है, तो कम से कम इसका इतना असर तो होना चाहिए। फिर क्या होता है कि आ गए नीचे, अपने काम में लग गए, क्लास बड़ी अच्छी है, थोड़ी देर खुशी हुई, उसके बाद साधारण हो गई, खुशी तो रहती है। इसलिए फिर जो सेवा भी करते हैं वो सेवा की खुशी बहुत चढ़नी चाहिए, भगवान की सेवा है। भगवान के घर आपको पता है भगत लोग जो हैं मंदिर की टाइलों को भी दबाते हैं ना ऐसे, तो कहते हैं भगवान को टांगे दबा रहे हैं, ऐसा होता है, तो धुलाई करते हैं ऐसे, मूर्ति को धोते हैं, बड़ा खुश होते हैं, उसका पानी भी पी जाते हैं, वो चरणों के रखा हुआ तो बड़े काम का है। इसी प्रकार से हमारा तो डायरेक्ट है,
तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए, कुछ भी सेवा करें। मान लो दादी ने कहा मौन में रहना आज, ये भी एक सेवा है, तो एक मिल गई ड्यूटी मिल गई, तो अब वो सेवा खिसक कहाँ जाती है। तो आप देखेंगे कि जैसे किसी व्यक्ति के पेट में कोई या शरीर में कोई रोग हो, किसी के पेट में कैंसर है, तो उसको कुछ भी खुराक खिलाओ अच्छी से अच्छी, उसको बढ़िया से बढ़िया, किसको लगेगी जाके, उसके स्वास्थ्य को लगेगी या उसके कैंसर को लगेगी? स्वास्थ्य को उसके लगेगी नहीं वो, क्योंकि कैंसर है तो कैंसर को लगेगी। इसी प्रकार से किसी के अंदर अहंकार है, छुपा हुआ अहंकार ऐसी चीज है, अगर मैं ये कहूँ ना मुझे कोई अहंकार नहीं, तो ये भी अहंकार है, क्योंकि ये बड़ी डीप चीज है। तो तब करके अगर अहंकार है और कुछ सेवा कर दिया तो क्या होगा? पहली बात तो अहंकार वाला सेवा की महिमा मांगेगा, कोई तो मेरी तारीफ करे, कोई तो कहे इसने कुछ किया है, और ऐसे ढंग से सेवा करेगा कि तारीफ हो। मान लो 100 व्यक्ति बैठा है, उसमें एक पोस्ट वाला बैठा है, उसकी सेवा करेगा ताकि उससे तो नजर में आऊंगा, इन बेचारों की करूंगा तो कौन पूछेगा, दूर की लाइन में मैं पानी दे रहा हूँ कौन पूछेगा, इधर से गुजरू तो अच्छा है ना, ये भी तो एक सूक्ष्म हो गई ना वृत्ति। इसी प्रकार से कई प्रकार की सूक्ष्म वृत्तियां होती हैं। तो अगर हमारी सेवा अहंकार को लग रही है या सेवा मोह को लग रही है, अपने शरीर का मोह है, खूब सेवा करी, इच्छा ये है इसके बाद इससे छुट्टी मिले और मैं जाके खाट पर आराम से सोऊं, 2 घंटा नींद करूं, और करवा लो जो करवानी, अभी 1 घंटे में जितनी मर्जी करवा लो, लक्ष्य क्या है कि उधर जाना है, तो मेन एम क्या है, बिस्तरा या सेवा, ठीक है ना। इसी प्रकार से वो प्रायोरिटी बदल जाती है। इसी तरह से किसी को कुछ भी है, किसी को रेस है, किसी से ईर्ष्या लगी हुई है, इससे अच्छी सेवा मैं करूं, कर अच्छी रहे हैं। मान लो कपड़े धो रहे हैं 2 जने, दादी के ड्रेस धो रहे हैं, वो कह के मेरी साड़ी ज्यादा सफेद होनी चाहिए इससे, ताकि दादी को कहूं कि ये मेरी धुली हुई है, ये क्या है, है तो अच्छी बात, दोनों सफाई कर रहे हैं, खूब सरफ लगा रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है, कंपटीशन है। इस प्रकार से अगर हम कोई भी चीज ऐसी करेंगे जो हमारी बॉडी कॉन्शियस की होगी, तो हमारा गुण लिमिट में आ जाता है। प्रेम बहुत अच्छा गुण है, गॉड इज लव लोग कहते हैं, प्रेम जो होता है ऐसा गुण है और ऐसी शक्ति है जो संगम पर भी रहती है और सतयुग में भी रहती है, ये गुण भी है शक्ति भी है। वरना आप जानते हैं सतयुग में शक्तियां नहीं रहती, सतयुग में गुण रहते हैं, शक्तियों का रूप बदल जाता है, लेकिन ये दोनों में रहता है। अब प्रेम भी अनलिमिटेड हो सकता है, लिमिटेड भी हो सकता है। तो अब आपने लिमिटेड प्रेम का मतलब क्या है कि लक्ष्य से करना, इससे मेरा फायदा हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, मेरी गुडविल बन जाएगी, मेरे को लोग समझेंगे, तो ऐसा। कई बार लोग नफरत को छुपाकर भी मुस्कुराते हैं, अंदर से होगी नफरत, जैसे दफ्तरों में होता है ना, किसी की तरक्की हो जाए जाके कहेंगे बड़ी खुशी हुई आपकी तरक्की हो गई, आपकी तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, और अंदर क्या होता है कि इसकी क्यों हो गई, ऐसे किसी से करा लाया होगा। तो इस प्रकार से किसी के घर में नई मोटर आ जाएगी, कहेंगे बड़ी खुशी हुई तेरे घर में कार आ गई, अंदर से जलेंगे, है ना। तो यहाँ भी होगा, मान लो किसी भाई या बहन कोई नई कार लेके आ गए, तो वो सोचेंगे ब्रह्मा कुमारों के कार में नई नई कारों की क्या जरूरत है, तो ये क्या है। इसलिए बाबा कहता है कि गौर से देखोगे तो इसमें अपनी, उसकी तो बेचारे की जो है वो जाने, अपनी अवस्था क्या हो गई, अपने अंदर कुछ संकल्प पैदा कर लिया। किसी का भी कुछ हो जाए, कोई बड़ा महारथी क्लास में लेट आ गया या जल्दी उठ के चला गया, तो लो महारथी भी है, क्या है अच्छा, तो अब ये क्या है, ये हमारा टेस्ट है ना। अच्छा, तो इसलिए बाबा कहता है कि यहाँ पर मेरे कर्म से दूसरा सीखता है, अच्छे से तो कम सीखता है, गलत से ज्यादा सीख जाता है। छोटे दिमाग होता है ना, तो सोचते हैं कि ये ऐसा ही है, दफ्तरों में भी ऐसे होता है, ऑफिसर लोग लेट आते हैं तो समझते हैं ये अफसर का मतलब ये लेट आना है, लेकिन वो ये नहीं जानते उनकी जिम्मेवारियां क्या होती हैं। इस वास्ते इस ज्ञान में अपनी तरफ ध्यान देना है, पर चिंतन नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सेवा की खुशी हमें फुल प्राप्त हो, जैसे प्रेशर कुकर बंद रहता है तो पूरा उसका स्टीम का प्रभाव रहता है,
अगर खोल के रखो कढ़ाई की तरह तो फिर इतना जल्दी गलता नहीं है ना। इस वास्ते अपनी खुशी को भी सील करके रखना, जिसको बाबा कहते हैं लीकेज ना हो। तो उसमें यही है कि हमारे बेसिक लॉ है, जैसे मान लो सत्यता, सत्यता हमारा मूल नियम है सत्यता। अब सत्यता इतनी पावरफुल चीज है, सत्यता की मुरलियां भी आती हैं। अब कल परसों भी आई थी, सच तो बैठो नच और सच की नाव डोल, ये भी याद रखिए, सच की नाव डोलती है डूबती नहीं है, तो ये समझो मेरी डोले भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सच वाले का टेस्ट भी ज्यादा होता है। एक बारी कहते हैं एक बच्चा था, मास्टर के पास गया, मैंने छुट्टी दे दो मुझे। उसने कहा क्यों? कहते बस कुछ नहीं, मेरा मूड नहीं है, मुझे छुट्टी दे दो। उसने कहा जाके वहां बैठ जाओ, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं। उसने कहा मास्टर जी देखो मैंने सच बोला, आपने छुट्टी नहीं दी। अगर मैं कहता मेरे पेट में दर्द है आप छुट्टी दे देते, अगर मैं कहता मेरी माँ बीमार है आप छुट्टी दे देते, तो झूठ बोलने सच बोलने का यही फायदा है। तो उसने कहा देखो बच्चा तुमने सच बोला है ना, तो सच की कीमत भी देनी पड़ेगी। अगर सच और झूठ एक ही दाम में बिके हैं तो फिर सच बोल तो सब झूठ कोई बोले ही नहीं। इस वास्ते अगर आप किसी नियम पर चलते हैं, अब देखो सत्यता हमारा मूल नियम है। अब सत्यता शुरू कहां से होती है? पहली सत्यता मैं आत्मा हूं, ठीक है, मुरली में भी आया। चलो दूसरी सत्यता परमात्मा मेरा पिता है, वो तीसरी भी छोड़ दो ड्रामा है, पहली कोई ले लो, सत्यता मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा से, ये मैं आत्मा वाली मैं से कितने फायदे हैं? अगर आपने समझा मैं मेल हूं या फीमेल हूं, भाई हूं या बहन हूं, तो ये सत्यता में रहे, आधे हो गए। अगर मेल हूं तो फीमेल तो नहीं हूं, तो मैं सोचूंगा विष्णु भी भूल जाएगा, तो मैं सोचूंगा कि मैं तो आधा हूं, है ना, मैं तो मेल हूं ना, भाइयों की लाइन में हूं, तो आपका 50% तो नंबर वैसे कट जाएंगे। इस वास्ते सत्यता मैं आत्मा हूं, और अगर शरीर में आ जाओ तो मैं चतुर्भुज हूं। यहां तक अलाउड है संगम युग में। तो हम अगर सीधा ही मेल फीमेल का ध्यान रखेंगे तो बोलने को बोलेंगे मैं आत्मा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होगा, मैं तो माता हूं, मैं अकेली सेवा में कैसे जाऊं, मैं तो कुमारी हूं, मेरा क्या होगा, मैं तो भाई हूं, भाइयों में तो गुस्सा होता ही है। अच्छा, तो सब आपको कहां से आया? बॉडी कॉन्शियस से। अच्छा, फिर मर जाएंगे। अभी किसी को अस्पताल जाना पड़ जाए, मेरा क्या होगा, हैं डॉक्टर जी मेरा तो संगम युग बीता जा रहा है, अब तक तो वेस्ट हो रहा था, अभी हॉस्पिटल गए तो भी बड़ा वैल्यूएबल हो गया, है ना। तो इसी, अब सोचिए कि आत्मा का क्या है, सत्यता का प्रत्यक्ष सिद्धि क्या है, कि मैं मरता नहीं, आत्मा तो मरती नहीं। तो अमर भव जो है, जो बाबा कहता है अमर भव, तो वो तो हमको मिला है। अगर हम प्रैक्टिकली ये सोचेंगे कि शरीर मेरा वाहन है, अगर लास्ट मोमेंट पे सोचने लगे मैं शरीर से निकल जाऊं, मैं आत्मा हूं, तो जैसे बाबा कहते हैं अंत में कहेंगे मैं उड़ जाऊं उड़ जाऊं उड़ जाऊं, जिंदगी भर उड़े नहीं, अभी क्या उड़ोगे। इसलिए आज भी कहा हल्के रहो, हल्के हो जाओगे तो उड़ोगे। इस वास्ते खाली थ्योरी में बोलते रहे मैं आत्मा हूं, शिव बाबा ऊपर है, परम धाम मेरा घर है, ये तो थ्योरी है। इस वास्ते ये भी इसका फायदा है। फिर बाबा कहता है नफरत नहीं करो। अच्छा, जिसको अच्छी चीज अच्छी लगती है और ना अच्छी चीज को अवॉइड कर देते हैं, चलो भाई मेरे को नहीं चाहिए। सच्चा प्यार ये है, अच्छी से भी प्यार, खराब से भी प्यार, प्यार ना सही तो कम से कम दया ही सही है, मर्सी ही सही। अब भगवान कहते हैं भगवान प्यार का सागर है, तो भगवान को सब अच्छे ही दिखते हैं क्या? परमात्मा में तो सबसे ज्यादा ज्ञान है, उसको ये दिखता है ना, पता तो है ना कि ये अच्छा है, ये काम अच्छा है, इसमें कुछ कमी है, ये तो दिखता है ना उसको। अच्छा, फिर परमात्मा सबसे प्यार करता है या नहीं करता, या करता अच्छे से प्यार? ये तो ला के अनुसार चल रहा है, ये ला के अनुसार नहीं चल रहा, इसको तो मर जाना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं। अच्छा, नफे से प्यार, नुकसान से नहीं। तब बाबा कहता ये कैसे होगा कि अगर आपको इस स्टेज पर रहे कि प्यार एक गुण है, मुझे इस गुण को धारण करना, सिचुएशन देख के नहीं करना। सिचुएशन देख के करोगे तो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा है, जो आपकी नेचर के मुताबिक है, उससे आप प्यार करोगे। जो नहीं है, चलो नफरत नहीं करोगे, उससे किनारा करोगे, छोड़ो,
अच्छा, अब मान लो कोई साथी बीमार हो गया अस्पताल में, अब ला तो कहता है कि पड़ोसी भी कोई बीमार हो जाए, सड़क पे भी कोई बीमार हो उसकी मदद करो। हम कह अपने कर्म भोग रहा है उसको भोगने दो, मैंने क्या करना, मैं तो ज्ञानी आत्मा हूं, मैं तो सो जाऊं, है रेस्ट का टाइम है मेरा। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरी रेस्ट की रुचि है तो मुझे वो सारा ज्ञान भूलकर अपने डेफिनेशन बना लिया कि वो अपने कर्म भोग रहा, मुझे क्या लेना उससे। बाबा तो कहता कोई मर भी जाए तो हलवा खाओ, ये तो बीमारी हुआ है सिर्फ, इसलिए आप सोचो। तो ये क्या किया हमने, तो वो जो प्रेम का गुण था उसको पानी डाल दिया, उसमें मिक्स कर लिया कि भाई मतलब कि जो चीज अच्छी लगे, ऐसे मुरली की पॉइंट्स हैं, जो अच्छी लगे अपने पसंद की वो बहुत अच्छी है। बाबा कहता घूमो फिरो, कहीं बाजार से खाना पड़ जाए तो दृष्टि देके खा लो, बहुत अच्छा, वाह कमाल है। रिश्तेदारों के साथ जाके फिल्म देखो, कोई बात नहीं, उनको खुश रखना है, रंगीन साड़ी पहन लो, अच्छा, जो क्योंकि अपने पसंद की चीज है। इसलिए बाबा कहता है कि इस भक्ति में भी कहते हैं जिसकी रही भावना जैसी, भगवान की मूर्त उसने देखी वैसी। तो अब प्रेम अगर गुण है तो हमने अपना कहते हैं धरत पड़िए और धर्म ना छोड़िए, तो क्या हिंदू धर्म ना छोड़े या क्या ना छोड़े? तो अपना गुण अगर हमने छोड़ दिया प्रेम का, सिचुएशन बदल गई, तो फिर तो हमारा गुण नहीं हुआ। तो परमात्मा तो सबसे प्यार करता है, ब्रह्मा बाबा भी सबसे प्यार करता है, दादी भी सबसे प्यार करती है। आप दादी के पास किसी की शिकायत लेके चले जाओ, इसने ये किया दादी, इसने पीले का सारा दूध गिरा दिया, ये कर दिया, तो सुन लेगी, मुस्कुराएगी, है ना। आप कहेंगे देखो ना कहा, यज्ञ का नुकसान कर दिया, दादी ने कुछ कहा ही नहीं इसको, है दादी उसको कहेगी भाई ख्याल रखना। वो तो आप भी कह सकते थे भाई ख्याल रखना, शिकायत करके क्यों गए। इस वास्ते अगर गौर से देखोगे तो अगर आप बहुत ऊंचाई से किसी चीज को देखोगे तो क्या होगा, आपको ना पहाड़ी दिखेगी ना समुन्दर दिखेगा। अगर इस दुनिया को आप चांद से देखो तो हिमालय दिखता है नहीं, गोला ही दिखता है, कोई सागर दिखता है नहीं दिखता, इसी पर का कुआं दिखता है नहीं दिखता। इसी प्रकार से अगर आप नीचे की लेवल पे रहोगे आपको सब भूल जाएंगे, ये एक्टर अपना पार्ट बजा रहा है, किसी ने आपको तंग कर दिया, इसने मुझे तंग किया, ये भूल जाएंगे कि मेरे कर्म ने तंग किया है, कोई हिसाब होगा या कोई मेरा टेस्ट होगा, ये नहीं होता, कोई दूसरा आ जाएगा तंग करने वाला, है ना। तो तंग करने का कारण क्या है उसको ना देखकर ऊपर का रूप देखते हैं। अगर कोई बैल आपको सींग मार जाएगा तो आप क्या करोगे, जानवर है। अगर कोई व्यक्ति आपको मार जाए तो फिर देखो है, अच्छा। तो इसलिए बाबा कहता है कि ज्ञान ये कहता है कि आपको अपनी चीज को अपनी जायदाद के रूप में रखना, ना कि परिस्थिति के साथ डावाडोल होना। अगर परिस्थिति के साथ डावाडोल होंगे तो फिर अंत में क्या हाल होगा, कुदरत प्रकृति भी तंग करेगी, लोग भी तंग करेंगे, फिर सोचेंगे अब क्या करें, तो दुनिया वाले भी हो जाएंगे। मान लो अभी धरती हिलनी शुरू हो जाए तो क्या करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे या सोचेंगे गेट के पास चला जाऊं बच जाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए बाबा कहता है कि निर्भयता, ज्ञान के ऊपर पक्का निश्चय, ये जब ही आ सकता है अगर आप उसकी मूल में जाएंगे। तो मूल अगर सत्यता है तो दूसरा मूल है प्रेम। सत्यता से बहुत चीजें निकलती हैं, सत्यता से ईमानदारी भी निकलती है, सत्यता से डिसिप्लिन भी निकलता है, सत्यता से मर्यादा भी निकलती है, सत्यता से रिस्पेक्ट भी, बहुत कुछ निकलता है, सत्यता से न्यारापन भी निकलता है। ये पता ही है ये चीज मेरे पास तो रहनी नहीं, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, को ठीक रखने के लिए आध्यात्मिक शक्तियां। तो दूसरी शक्ति है प्रेम, ये आप टेस्ट करिए। अगर सत्यता के ऊपर आधारित प्रेम है, प्रेम भी दो तरह का होता है, एक होता है स्वार्थ पर आधारित, मान लो पैसे से प्यार है तो लोभ है, व्यक्तियों से प्यार है तो मोह है, अपनी बुद्धि से प्रेम है तो अहंकार है, है जी, अपने को मेल फीमेल समझते हैं तो भी आधे हो गए, अच्छा अपनी चीज पर फखर है, मैं बहुत हेल्दी हूँ या मैं बहुत पैसे वाला हूँ तो क्रोध आ जाएगा, या मैं बहुत उम्र का हूँ, ये छोटा है, ये कमजोर है, ये सारे के सारे टेम्परेरी है, क्योंकि आप लिंक ही इसका टेम्परेरी है, देह से हुआ तो देह की सब चीजों से हो जाएगा। इसलिए सत्यता पर प्रेम होगा, आत्मा के ऊपर होगा आधारित, तो फिर क्या होगा, फिर आपका ठीक होगा।
आत्मा है, सब आत्मा है। मेरा भाई भी आत्मा है, मेरा आध्यात्मिक भाई भी आत्मा है, अगर कोई मेरी मान्यता पे नहीं चलता वो भी आत्मा है, अगर मैंने किसी को ज्ञान सुनाया उसने नहीं माना उल्टा ही मुझे कह दिया तुम पागल हो गए हो, तो वो भी आत्मा है। तो आप समझे कि जिसने मेरे ज्ञान की तारीफ कर दी वो तो बहुत अच्छा, और जिसने नहीं की उससे आप कहे कि इसको मैं नहीं सुनाता, अगले दिन तुम कोर्स कराओ जाके, मैंने नहीं सुनाया, तो ये क्या है? इसलिए बाबा कहता है सत्यता नंबर वन, क्योंकि सतयुग में सत्यता होगी, और सत्यता आजकल हमारे लिए क्या कि तुम आत्मा हो, ठीक है ना। पहले सत्यता की जरूरत नहीं थी, सतयुग में ऑटोमेटिक था, फुल कॉन्शियस थे, वो भी आत्मा है। तो आप समझे कि जिसने मेरे ज्ञान की तारीफ कर दी वो तो बहुत अच्छा, और जिसने नहीं की उससे आप कहे कि इसको मैं नहीं सुनाता, अगले दिन तुम कोर्स कराओ जाके, मैंने नहीं सुनाना, तो ये क्या है? इसलिए बाबा कहता है कि सत्यता नंबर वन, क्योंकि सतयुग में सत्यता होगी, और सत्यता आजकल हमारे लिए क्या कि तुम आत्मा हो, ठीक है ना। पहले सत्यता की जरूरत नहीं थी, सतयुग में ऑटोमेटिक था, सोल कॉन्शियस थे, अभी हमको बहुत जरूरत है क्योंकि हम ऑटोमेटिक बॉडी कॉन्शियस हैं, इतने बॉडी कॉन्शियस हैं कि बाबा रोज कहता है सोल कॉन्शियस बनो, फिर बॉडी बन जाते हैं, फिर कहता है सोल, पता है कि ये मुर्दा है, ये तो हमारा एक चोला है, ये तो हमारा एक साधन है, सब कुछ पता है, फिर भी किसकी शक्ति का ध्यान रखते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ाने का या शरीर की शक्ति बढ़ाने का? शरीर का ज्यादा ध्यान रखते हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल में जाना होगा तो टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, क्लास में जाना होगा तो टाइम से 10 मिनट बाद में पहुंचेंगे, तो बताओ किसकी शक्ति का ज्यादा ध्यान है, है ना। रास्ते में कोई बात करने लग जाएगा, करने लग जाएंगे, हॉस्पिटल जाना होगा, नहीं भाई मैंने अस्पताल जाना है, खून देना है। अच्छा, इसलिए बाबा कहता है कि ये आपकी प्रायोरिटी जो है, हमारे जीवन की ब्राह्मणों की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ब्राह्मणों की प्रायोरिटी है आत्मा, आत्मा की शक्ति बढ़ाना, और बाबा से शक्ति लेकर बढ़ाना, परिवार के अंदर भी परिस्थितियों से भी आप शक्ति ले सकते हैं, और अपने ऊपर ध्यान रखकर भी शक्ति ले सकते हैं। एक तो अनलिमिटेड नंबर वन, और नंबर टू सदा, हमारे दो शब्द हैं चाबी, एक सदा और एक है? हाँ, एक सदा और एक अनलिमिटेड। तो एक तो सदा रहना चाहिए, ये नहीं आप देखेंगे कभी आप बहुत खुश हैं, कभी आप कम खुश हैं, तो ये सदा की स्टेज तो नहीं हुई ना। बाबा भी कहता है किसी दिन तुम्हारी हार्ट बीट पल्स रेट बहुत तेज हो जाए, किसी दिन नजर ही नहीं आए तो क्या कहेंगे? ऐसे ही किसी दिन बहुत खुश, किसी दिन जाके कमरे में बैठे हैं, आज मेरा मूड नहीं है जाओ भाई, अच्छा आए तो ऐसे जैसे कोई मरा हुआ आदमी कब्र से निकल के आ रहा है, तो वो उस वक्त खुशी कहाँ गई? इतनी बाबा ने ज्ञान सुनाई, इतने जन्म का वर्षा देना, कम से कम आपकी खुशी तो परमानेंट रहनी चाहिए ना। इसका भी कारण क्या है कि सदा नहीं है, तो सदा नहीं का मतलब सदा टेंशन नहीं, हम क्लास में स्टूडेंट हैं, बाहर आके हम स्टूडेंट नहीं हुए, सेवाधारी बन गए, तो सेवाधारी भी तो स्टूडेंट है ना, पहले सेवा भी हमें स्टडी के लिए मिली हुई है। किसी भी परिस्थिति में आपको डाला जाए, चाहे वो परिस्थिति ज्यादा आराम की सुख की हो, चाहे वो परिस्थिति तंग करने वाली हो, दोनों परिस्थिति में आपको एक जैसा रहना है। इसलिए कहा जाता है ब्राह्मणों की सफलता क्या है, हम कहते हैं सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन कौन सी सफलता? कि अगर हम बाबा ने आना आगे सीट मिल जाए तो सफलता है, या कुछ होना है तो आगे चले जाए सफलता, अगर टोली मिल रही आइसक्रीम तो पहले मुझे मिल जाए तो सफलता, ये सफलता नहीं है। सफलता का मतलब ये है हानि लाभ है, उस्तत निंदा, जय पराजय, मान अपमान, दुख सुख, इसमें समान। अगर आपके सोने के वक्त आपको कोई सेवा बता दे, उस समय आपकी अवस्था क्या है? ढीले ढाले, अच्छा भाई चलता हूँ, बाबा ने कहा हुआ है ना नहीं करना है, आ गए हो तुम बेवकत पर, अब क्या करें, बोल भी रहे हैं, अपने को एडजस्ट कर रहे हैं, ये नहीं एकदम। तो इसलिए असली बात यह है, अगर हम हर परिस्थिति में, क्योंकि हमारी जो हमारी जिसको कहते हैं प्योर गोल्ड इज मोल्ड, सोना जो होता है मोल्ड कर जाता है,
तो ये नहीं कि परिस्थिति मेरे अनुसार आए, दुनिया के लोग भी यही गलती करते, वो समझते मेरे अनुसार दुनिया चले तो कभी सुखी नहीं रह सकते, चाहे आप करोड़पति बन जाओ, आपको कोई प्राइम मिनिस्टर बना दे, दुनिया मेरे अनुसार चले कलयुग में होने वाला नहीं है, वो सतयुग में होगा। लेकिन मैं दुनिया के अनुसार चलूं जो भी हो जाए, और तब भी मैं खुश रहूं, ये सफलता है। और ये तब आएगी अगर आप हर चीज में नुकसान में फायदा देखेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेंगे, तो आपको ये मुश्किल नहीं है, लेकिन आप करके देखिए, आपको अंदर बड़ी खुशी भी आएगी कि देखो ये होने वाला था लेकिन मैंने इसको जीत लिया। फिर आपको जो मजा आएगा ना, वो होता है अति इंद्रिय सुख। ठीक है, ओम शांति।